नमस्तो सभी भाई बहन को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम दिल्ली शहर में आए हुए हैं। दिल्ली शहर में एक दक्षिणी मध्य भाग में लोदी गार्डन है। आज हम उसी गार्डन का व्यू करने चल रहे हैं। इस गार्डन में एंट्री के लिए कोई भी फीस नहीं लिया जाता है। निःशुल्क गार्डन, आप दिन में कभी भी आ सकते हैं। यह गार्डन में फना मूवी की शूटिंग भी हुई थी और अन्य कई मूवी की शूटिंग हुई थी, लेकिन हम आपको फना मूवी के कुछ सीन के लोकेशन जो है आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम सिकंदर लोदी का मकबरा जो है यहाँ पर आए हुए हैं। पहले हम इस गार्डन का पूरा व्यू आपको हम दिखा देते हैं, फिर उसके बाद फिल्म लोकेशन को दिखाएंगे। यह मकबरा सिकंदर लोदी वंश के एक शासक थे, जिनके मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी पुत्र 1527 के आसपास इस गार्डन के अंदर एक मकबरा बनाया और जिसका नाम सिकंदर लोदी का मकबरा रखा। ये सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर हम चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं। सिकंदर लोदी का जो मकबरा है, यह जैसा ऊंचाई पे बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, हमेशा लोगों का आवागमन रहता है। सबसे पहले यह जो गेट दिखाई दे रहा है, गेट के माध्यम से हम अंदर एंट्री कर चुके हैं, लेकिन मकबरा से पहले जो उसके बाहरी व्यू है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक कतार में और एक तरह के पूरे डिजाइन से छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए, हरियाली, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए, हमारे सामने ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पे सिकंदर लोदी का मकबरा है। यहाँ का भी व्यू हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये पूरा बाहरी व्यू आप देख लीजिए कि देखिए कितना खूबसूरत दिखाई देता है। पेड़ पौधे तथा घास, बहुत खूबसूरत डिजाइन दिया गया है। यह इतना भव्य, इतना खूबसूरत है कि दूसरे लोग यहाँ तो देश विदेश के देखने आते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म की शूटिंग भी हुई है। एक नहीं, कई फिल्म की शूटिंग हुई है। अब यहाँ से हम देखिए, जहाँ उस स्थल पर आ गए हैं जहाँ सिकंदर लोदी का मकबरा है, यहाँ पर देखिए चारों तरफ से इसको जाली लगा के कवर कर दिया गया है। आप जहाँ मेन मकबरा है, आप वहाँ पर नहीं जा सकते, लेकिन हम वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अभी मेरे दाएं साइड में कार भी चल रहा है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, तो रख रखाव सरकार के द्वारा इसकी बहुत ज़रूरी कार्य होता है। यहाँ पर देखिए, पूरा जाली लगा हुआ है। अब यहाँ से ये हम आपको जो व्यू दिखा रहे हैं, ये लोहे के दरवाजे में जो सरिया जैसे लगे थे, तो हम उसी में कैमरा डाल के ये देखिए, सिकंदर लोदी का मकबरा ये हमारे सामने। अब यहाँ से हम दूसरे स्थल पर आ गए हैं जहाँ पर शीश गुम्बद और बड़ा गुम्बद है। ये सामने पूरा जो आपको व्यू दिखाई दे रहा है, बड़ा गुम्बद का व्यू है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर चलकर इसका व्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ बड़ा गुम्बद। इसके अंदर जैसे हम एंट्री करने चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ तो ये देखिए, कैमरामैन जा रहे हैं। यहाँ पर कई कैमरामैन हमको दिखाई दिए, जो कि तुरंत फ़ोटो खींचते हैं और जो है फ़ोटो निकाल कर आपको दे देते हैं। यह गार्डन काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर अब हम आ गए हैं शीश गुम्बद के पास। शीश गुम्बद और बड़ा गुम्बद एक ही पास में हैं। अब यहाँ पर हम चलकर यहाँ का व्यू करते हैं। दोस्तों, यह बाहरी दीवार पर जो लगे नीले रंग की एक चमकदार पट्टी दिखाई दे रही है, इसी टाइलों के कारण इसका नाम शीश गुम्बद रखा गया। यहाँ पर ये सीढ़ी लगी हैं, इसके अंदर आते ही वाह, इसके अंदर देखिए कई कब्र हमको दिखाई दे रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसके अंदर हमको 8 कब्र दिखाई दे रही हैं और इसके छतरी प्रकार के यह एक चबूतरा जैसे बनाया गया है। ये शीर्ष गुम्बद का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ से फिल्म लोकेशन जहाँ से शूटिंग किया गया है वहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए आमिर खान जी और काजोल के साथ चांद सिफारिश का गाना यहीं से एक शूट किया गया था। अब दूसरा लोकेशन भी हम आपको दिखा रही है, देखिए सामने ये जो गार्डन जैसे दिखाई दे रहा है और 3 गुम्बद आपको दिखाई दे रहे होंगे और एक बड़ा सा गुम्बद जो दिखाई दे रहा सामने, यहीं से इस गाने का लोकेशन लिया गया है। अब यहाँ से हम और दूसरी जगह का लोकेशन दिखाने चल रहे हैं। ये देखिए आमिर खान जी, अब देखिए सेम ये गाना फना का यहीं से लिया गया है। ये देखिए हमारे सामने। अब जो दूसरा लोकेशन हम आपको दिखाने चल रहे हैं, यहाँ से देखिए ये जो गार्डन है, यहाँ जो बड़ा गुम्बद है, बड़ा गुम्बद से कैमरे को घुमाते हुए, ये देखिए कैमरा ऐसे घुमाते हुए ये शीर्ष गुम्बद, ये देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से इस फिल्म का एक सीन लिया गया था। अब दूसरा ये लोकेशन पर आ गए हैं जिसमें आमिर खान जी तेरी अदा भी है झोंके वाली छू के गुजर जाने दे। यहाँ पर देखिए यहाँ पे काजोल हाथ रखी हुई हैं और आमिर खान जी यहीं पे जो है इनके चेहरे पे हाथ लगाती हैं काजोल यहीं से। अब दूसरा लोकेशन ये है, तेरी लचक है जैसे डाली दिल में उतर जाने दे, यहाँ से इसका लोकेशन लिया गया है। ये देखिए यहीं से। दोस्तों यह गार्डन बहुत खूबसूरत है, यदि आप कभी दिल्ली आते हैं तो ज़रूर इस गार्डन को देखने आइएगा। दोस्तों यह जानकारी देने का मेरा तरीका पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों को नमस्कार एवं धन्यवाद।